सो हे गाइस, आज इस वीडियो में आपको पिरामिड रूबिक्स क्यूब आपको एडवांस आपको सॉल्व करना है वो आपको सिखाने चाहता हूँ कि दोस्तों आपको इसमें अंदर दोस्तों सारे के सारे को एल्गोरिदम होते हैं। आपको दोस्तों मैं विदाउट एल्गोरिदम को यूज मतलब कि कैसे सॉल्व करना वो आपको सिखाऊंगा विदाउट एल्गोरिदम। अभी देखो इसके अंदर दोस्तों आर यू आर प्राइम यू प्राइम इसके अंदर कैसे होता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम इस प्रकार से होता है। और दोस्तों इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को दिया साथ दोस्तों आर यू आर प्राइम यू प्राइम ठीक है इस प्रकार से होता है ठीक है मतलब इस प्रकार से एल्गोरिथम होता है। इसके अंदर दोस्तों आर यू आर प्राइम होता ही नहीं है गाइस ठीक है। अभी आपको समझ लेना है ठीक है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम इस प्रकार से होता है। बट दोस्तों हमको क्या मतलब कि इसको एल्गोरिथम लगना ही मतलब कि हमको लगता ही नहीं जब इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है आपको पता चल गया। इसको हम जब सॉल्व करते हैं हमको एल्गोरिथम में लगता ही नहीं है जब हम सॉल्व करते हैं इसको ठीक है एल्गोरिथम हमको नहीं लगता है जो कि दोस्तों को ध्यान में आपको रखने के लिए आपको मैं इस एल्गोरिथम को मैं आपको बताया ठीक है देख सकते हो ठीक है ध्यान में आपको मतलब कि आपको ध्यान में भटकाने के लिए आपको मतलब इस एल्गोरिथम को बता दिया ठीक है। अभी देखो फटाफट से मैं इस पिरामिड को स्क्रैम्बल कर देता हूँ ठीक है गाइस इसको मैंने स्क्रैम्बल कर दिया। अभी देखो मैंने इसको पूरा स्क्रैम्बल कर दिया। अभी देखो आपको क्या करना है ये तो दोस्तों आराम से घूम सकते हैं ये सब सारे के सारे आराम से मैच हो सकते हैं इसको उल्टे आपको मैच कर देना है सारे के सारे कॉर्नर्स को ठीक है। मैच करने के बाद अभी देखो इसके अंदर सारे के सारे कलर्स मैच ही होते हैं ऑलरेडी ठीक है सारे के सारे कलर इस प्रकार से मैच ही होते हैं। ओनली हमको ओनली 1 2 3 थ्री कलर्स को ओनली आपको लाना होता है ठीक है। कैसे लाओगे देख लीजिए। अभी देखो मैं आपको इजी स्टेप बताऊंगा बहुत इजी स्टेप ये तो दोस्तों ध्यान में सुनना। अभी देखो एक ऐसे कॉर्नर को चूज करना है जो कि दोस्तों येलो ना हो। अभी देखो इस रूबिक्स क्यूब को दोस्तों जब हम सॉल्व करते हैं एक एक फेस दोस्तों येलो लेते हैं ठीक है मत सॉरी एक फेस हम वाइट लेते हैं इसमें अंदर दोस्तों येलो लीजिए जो कि दोस्तों इसके अंदर वाइट नहीं होता है आपको येलो समझ लीजिए। एक एक बार दोस्तों येलो लेते हैं एक एक बार दोस्तों बहुत बहुत मतलब दोस्तों इसके अंदर वाइट लेते हैं इसके अंदर दोस्तों वाइट कलर नहीं है येलो लेना है आपको फेस ठीक है। आपको क्या करना है सिंपली से देखो एक ऐसे मतलब कि एक ऐसे इसमें अंदर येलो है इसमें अंदर भी येलो है इसमें अंदर भी येलो है और दोस्तों इसमें अंदर येलो नहीं है ब्लू रेड ग्रीन है। अभी आपको ब्लू रेड ग्रीन है ब्लू रेड ग्रीन मतलब ग्रीन है। अभी क्या करना है इसके बॉटम में जाना है ठीक है ओनली एक बार फ्लिप कीजिए बॉटम में गया। अभी दोस्तों इसमें अंदर दोस्तों आपको क्या करना है 1 2 3 थ्री फेसेस को येलो लाना है ओनली क्या करना है रोटेट कीजिए इसको इधर रोटेट कीजिए और इसको वन इधर रोटेट कीजिए। अभी देखो आपका प्लस बन जाएगा ठीक है आपको प्लस समझ लेना है। अभी देखो इसके अंदर कैसे होता है ठीक है इसके अंदर प्लस कैसे होता है और दोस्तों इसके अंदर भी प्लस समझ लीजिए ठीक है इस प्रकार से। अभी दोस्तों आपको क्या करना है मतलब कि आपको फर्स्ट लेयर बनाने थे आपको फर्स्ट लेयर बनाने ही नहीं गाइस ओनली कलर को लगाना है। अभी देखो इसका कलर इधर लगने वाला है इसको क्या करिए उसको निकालना नहीं आपको एक छोटा सा एल्गोरिथम है इसको यूज़ कीजिए। देखो नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऐसे समझ लीजिए नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर इस प्रकार से समझ लीजिए। अभी देखो हमारा और एक दोस्तों केस आ चुका है इस कलर को निकालना है बाहर हमको ठीक है इस कलर को हमको बाहर निकालना है कैसे निकालोगे देख लीजिए। अभी को कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है गाइस अभी फर्स्ट आपको इसको बाहर कलर को दिख रहा है ठीक है वाइट और रेड इधर ही वाइट और रेड इधर लगने वाला है आपको। अभी आपको राइट साइड से लगाया था मैंने अभी आपको लेफ्ट साइड से लगाना है कैसे लगाना है देख लीजिए। देखो नीचे नीचे ऊपर इस साइड से ऊपर और ऊपर हो गया। अभी देखो हमारा दोस्तों बहुत डिफिकल्टी केस आ चुका है आपको दोस्तों इस प्रकार से केस जरूर आएगा होगा आपको क्या करना है निकालने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं गाइस ऊपर लेना है 1 2 रिटर्न आपका दोस्तों इधर से कलर इधर आ गया ठीक है वही है। देखो ये कुछ भी नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी आपको वही एल्गोरिथम लगाना है नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर लगा दिया। अभी देखो आपका फर्स्ट लेयर बन चुका है
कलर मैच पे ही फर्स्ट प्लेयर बन जाता है, ठीक है, कलर मैच पे ही फर्स्ट प्लेयर बन जाता है। अभी आपको इसके अंदर दोस्तों तीन या चार केसेस आएंगे, आपको वो भी बताऊंगा। तीन या चार केसेस कैसे आएंगे देखो, अभी आपका मतलब कि रूबिक्स क्यूब दोस्तों 1 2 3 थ्री कलर्स है। अभी आपको क्या करना है थ्री कलर्स को आपको मतलब कि एक दूसरा बनाना है, तो देखो क्या करना है सिंपली से, देखो ऊपर लेना है इस साइड, नीचे इस साइड, ऊपर इस साइड, नीचे, देखो ये देखो ये हमारा करेक्टली अरेंज हो गया। हम दोस्तों जब हम इस 3x3 को सॉल्व करते हैं आपको दो केसेस जरूर आएंगे, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। अभी देखो 1 2 दो केसेस आएंगे, आपको क्या करना है दो केसेस को देखो, हम इधर थोड़ा सा एल्गोरिदम है इसको, सॉरी थोड़ा सा एल्गोरिदम है, ठीक है, थोड़ा सा एल्गोरिदम है इसको यूज़ करके हम आराम से इसको सॉल्व करते थे। अभी दोस्तों इसके अंदर ऐसा केस है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई आपको टेंशन वाला बात नहीं लेना है। अभी इसके अंदर क्या करना है देख लीजिए, अभी देखो आपको क्या करना है, देखो इधर दो कलर है, अभी आपको वही नीचे नीचे ऊपर ऊपर लेफ्ट से ऐसे लगाना है, ठीक है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर लगा दिया। आपको क्या करना है, अभी इधर ग्रीन है, आपका कौन सा भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है और रेड हो सकता है और दोस्तों ग्रीन हो सकता है, ठीक है, मेरा तो ग्रीन है। अभी आपको क्या करना है सिंपली से देखो, अब मैं क्या करता हूँ इस क्यूब को ओनली इस प्रकार से करता हूँ और दोस्तों कैच करने के बाद इधर से भी राइट से नीचे नीचे ऊपर ऊपर लगाना है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, देख सकते हो हमारा पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। अभी दोस्तों आपको और एक थर्ड केस बताता हूँ, ठीक है, हमारा दोस्तों थर्ड केस कैसा है, अभी देखो इधर एक कलर इधर मतलब ये कलर दोस्तों इधर चाहिए, ये कलर इधर चाहिए, आपको क्या करना है एक ही छोटा सा एल्गोरिथम है उसको यूज़ करना है, 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 पूरा रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व हो गया गाइस। इतना ही आपको स्टेप्स और दोस्तों आपको और कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ओनली मुझे कमेंट कीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों FTL होता है, ब्लाइंड सॉल्विंग होता है, सब होता है, आपको वो भी सिखाऊंगा वीडियो ओनली दोस्तों। कौन सा मतलब कि कौन कौन हमारा फैमिली मेम्बर में नया लोग है दोस्तों ओनली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर देगा मतलब कि क्लिक कीजिए, जो कि दोस्तों हमारा अर्ली अपडेट आपके सामने आ जाए। वीडियो दोस्तों आपको पसंद है तो गाइज इस वीडियो को ओनली 100 आई थिंक 5K कर दीजिए, मतलब कि इस वीडियो को वायरल 5K व्यूज़ लगा दिया दोस्तों। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 4x4 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इतने आपको सपोर्ट कर रहे हो मुझे चलेगा गाइस, और सपोर्ट कीजिए ओनली मुझे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा, ठीक है, थैंक यू।